हेलो गाइस, वेलकम टू सर्किट रिपेयर। तो चलिए, आज का जो वीडियो है इस होम थिएटर रिपेयरिंग का, और इसमें कुछ अलग ही साउंड आ रहा है जो कि मैं आपको अभी चेक करके दिखाऊंगा फ्रेंड, जिससे अगर आपका भी ऐसा अगर प्रॉब्लम आता है फ्रेंड, तो आप इस प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर पाएंगे फ्रेंड। और किसके कारण होता है इसके बारे में भी आज इस वीडियो में आपको बताएंगे फ्रेंड। तो देख लीजिए पहले हमारा जो आवाज़ क्या कर रहा है फ्रेंड। तो देखिए, जैसे कि मैंने स्पीकर का लगाऊं आउटपुट में, और यहाँ पर देखिए स्पीकर की आवाज़ क्या हो जाएगी। चलिए स्पीकर की आवाज़ देख लीजिए फ्रेंड। एक तरफ का ठीक बज रहा है फ्रेंड, अब सेकंड साइड का ये भी ठीक है, और रेड रेड में ठीक बज रहा है, लेकिन वाइट वाइट में देखिए फ्रेंड क्या हो जाएगा। दोनों वाइट में दोनों वाइट पॉइंट में ऐसे ही प्रॉब्लम हो रहा है फ्रेंड। तो ऐसा प्रॉब्लम अगर आपके साथ भी हो रहा है, तो इस प्रॉब्लम को इजीली आज सॉल्व करके दिखाएंगे, और आप भी सॉल्व कर पाएंगे। और देखिए हमारा जो है बंद है, उसके बाद भी देखिए आवाज़ सनसनाहट की आती है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ सकता है आपके साथ भी। तो चलिए फ्रेंड, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और आपको इसका प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व करके दिखाते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड, जो इस चैनल पे न्यू है और पहली बार जुड़ रहे हैं और पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो फ्रेंड प्लीज़ से हमारे चैनल को सब्सक्राइब के बटन को दबा के और हमारे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हो सबसे पहले आप देख पाएंगे। इसे इंटरेस्टिंग वीडियो और इसे होम थिएटर का क्रिटिकल क्या बोलते हैं, बहुत ही भयानक वाली प्रॉब्लम और वेरी क्रिटिकल प्रॉब्लम जो रहेगी, ऐसे प्रॉब्लम का वीडियो हमारे चैनल पर मिलते रहते हैं फ्रेंड। तो चलिए आगे वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और इस प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व करके दिखाते हैं फ्रेंड। तो चैनल को जल्दी से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपके लिए ही, नहीं तो मुझे क्या है, मेरा तो जो काम है मैं करूँगा ही। तो चलिए फ्रेंड, इस बोर्ड है हमारा सर्किट बोर्ड, इस बोर्ड में जो प्रॉब्लम है आईसी से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या आईसी का प्रॉब्लम हो सकती है। इस बोर्ड में आप देखेंगे तो छोटा सा आईसी लगा होगा 4558, आपको दिखाते हैं यहाँ पे 4558 करके छोटा सा आईसी लगा हुआ 8 टंगड़ी का, वो ख़राब होने से भी ऐसा प्रॉब्लम होता है फ्रेंड। लेकिन वो ख़राब होने से लगभग सिर्फ सब बुफर में ऐसा प्रॉब्लम होता है फ्रेंड, ये सब स्पीकर में नहीं होगा आउटपुट में, लेकिन यहाँ आउटपुट का स्पीकर में प्रॉब्लम हो रही है फ्रेंड। तो चलिए मैं आपको यहाँ दिखाते हैं चेक कर गए अभी फिलहाल, इसमें ऐसा कुछ होम थिएटर खोलने के बाद प्रॉब्लम जो हमारा हट चुका है फ्रेंड, देखिए पूरा पूरी सही हो चुका है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम है इस होम थिएटर में, वो दिखाते हैं आगे। कभी ठीक हो जा रही है फ्रेंड और कभी चल रही है। तो यहाँ पे जो है ना, सब सोल्डरिंग जो छूट चुका है आईसी का, उसको एक बार रिसोल्डरिंग करना पड़ेगा अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो, और नहीं तो अगर ऐसा प्रॉब्लम नहीं है तो यहाँ पे जो जिस पॉइंट जिस आईसी में आवाज़ कर रही उस आईसी को चेंज करना होगा फ्रेंड। तो वहाँ पे नया आईसी लगा देंगे तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, लेकिन मेरा यहाँ जो सोल्डरिंग करने से भी सॉल्व हो चुका है। तो आप सोल्डरिंग करके भी आप देख सकते हैं फ्रेंड, हमारा जो है प्रॉब्लम यहाँ से सॉल्व हो जाती है। तो जितने भी आईसी है सारे आईसी में सोल्डरिंग कर देंगे, ताकि बाद में ऐसा कोई प्रॉब्लम ना हो, और ऐसा प्रॉब्लम कभी कभी आ जाती है फ्रेंड। तो आईसी भी ख़राब हो सकता है, आईसी भी चेंज करना पड़ेगा, जो कि आईसी इसमें 20-30 नंबर का आईसी लगा हुआ, मैं उसको इस वीडियो में चेंज करके नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन आईसी चेंज करना पड़ता है फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, आज का वीडियो यही था, तब तक के लिए बाय। फिर से एक नया वीडियो और इसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में मिलते हैं, और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तब भी आप समझ पाइएगा। तो चलिए फ्रेंड, तब तक के लिए बाय।